वेलकम। सिंप्लीफिकेशन के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो स्पेशली बैंक पीओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत इसमें आईबीपीएस और दूसरे एग्जाम शामिल हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसके पहले जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते आए हैं उसी की श्रृंखला की यह अगली कड़ी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला सवाल है, थ्री हंड्रेड एंड टू पॉइंट फोर सिक्स प्लस थ्री नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन टू माइनस वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर सेवन इज इक्वल टू व्हाट। डेसिमल के पहले का काम अलग होता है और होल नंबर का काम अलग होता है। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए 47 लेस करना है ना, 46 तो है ही, बस 1 लेस करना हुआ तो 71। नहीं समझे, 0.46 प्लस 0.72 माइनस 0.47 होगा। तुम लोग बोलेंगे 46 ले लीजिए ना, 1 पैसा और लेना है तो यहां से ले लीजिए, ये बचेगा ना, ये हो गया, ये समझ गए। इसके बाद होल नंबर का काम अलग करते हैं। होल नंबर को थोड़ा समझिए, 302 प्लस 395 माइनस 123। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले इस 2 को उठा के यहां रख देते हैं, 2 को उठा के यहां रख देते हैं और दोनों को 33 इंक्रीज करते हैं, तो ये 126 हो जाता है और ये 400 हो जाता है। और अब बोलिए कितना सुंदर नंबर बन गया कि 700 में से 126 लेस करना, यानी 574 पॉइंट। इसका आंसर क्या हुआ, 574.71 इज द आंसर। समझ में आया, जब हमको लेस करना होता है तो दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं या दोनों को डिक्रीज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी से। हम हमेशा सुंदर नंबर बनाना पसंद करते हैं, 1000 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, इवन 50 और 10, 20 के नोट्स। ठीक है, ये समझे। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्यूब रूट है और क्यूब रूट हम लोग कर चुके हैं, पता है ना कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बोली बोली बोली, हालांकि हम लोग सारे क्यूब रूट हटा सकते हैं लेकिन ये नंबर इससे कटेगा, कटेगा तो, लेकिन अब कौन 2 और 4 से कैंसिल करने जाए, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम क्यूब रूट ही निकालें। और क्यूब रूट तो निकलना है, आप जानते हैं कि ये 3 प्लसेस राइट साइड से हम लोग लेते हैं, 6 में 6 होता है और यहां पर वो नंबर लिखते हैं जिसका क्यूब इस सेकंड ग्रुप के बराबर होता है या उससे कम होता है। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब तो ज्यादा हो जाता है इसलिए हम 1 लिखते हैं। ये आपको रूल यहां पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, मैंने कर तो दिया लेकिन जो एक स्पेशल क्लास हुआ था क्यूब रूट पर, एग्जैक्ट क्यूब रूट पर, उसका आप जरूर देख लेंगे। ये डिवाइडेड बाय ये क्या है, 4 का क्यूब है, यानी कि ये 4 हुआ। अब ये क्यूब रूट है जो इधर आके क्यूब हुआ, यानी 4 का क्यूब हुआ ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि 64 इज द आंसर, यानी इसका आंसर हुआ 64 सेकंड नंबर का। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 800 इज इक्वल टू 293 माइनस 22% ऑफ 750। देखिए 22% ऑफ 750 को हम लोग बोलते हैं 11% ऑफ 1500। जानते हैं जब भी यूनिट प्लस पर जीरो को छोड़ के यहां 5 होता है, डबल करते हैं। किन्हीं को दिक्कत है इसमें, इसमें दिक्कत है, 10% हुआ 150, 1% हुआ 15,
यानी 165, इसका वैल्यू हुआ 165। चीजों को ब्लॉक में समझिए, कुछ लोगों को यहां दिक्कत हो सकती है, इसको थोड़ा समझिए। ये क्या है 22/100 × 750, करना नहीं है कुछ, समझिए पहले। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इसे हम लिख सकते हैं 1500, इसे हम लिख सकते हैं 11%। बोले बोले यही लिखा गया था, समझ गए? ठीक है। इसके बाद बार बार ये काम करते हैं कि या तो हमारा पैसा सुंदर, नहीं तो दिया जाने वाला पैसा सुंदर, दोनों को 7-7 इंक्रीज कर देते हैं। 7-7 दोनों को दे देते हैं तो ये 300 हो जाता है और ये 172 हो जाता है। आराम से लिस्ट करते हैं, दिस इज 128। तो कहने का मतलब इस पूरे का वैल्यू आया 128। व्हाट परसेंट ऑफ 800 इज इक्वल टू 128। बोले बोले बोले, ये तो समझ गए। फिर बोलिएगा कि 10% को 80 बोलते हैं, जिसमें से 80 हटा दीजिए, बाकी बस बचा 48, जो कि 6% है, क्योंकि 1% का मतलब 8 है, तो 48 का मतलब 6%। सो आंसर इज 16%। नहीं समझे? 800 का 128 कितना परसेंट है? इसका मतलब 800 का मतलब होता है 100%, 80 का मतलब होता है 10%, और 8 का मतलब होता है 1%। तो हमारे पास अगर 128 है तो इसमें 80 पहले हटा देते हैं, दैट मींस 48 बचा। 80 को क्या बोलते हैं? 10%, और 48 को क्या बोलेंगे? 6%, यानी ये कुल मिला के क्या हुआ? 16% आंसर। ठीक है, समझे इसको? अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। 5 62.5 × 6 2^6 / 9 2^10 / 37.5 × 6 2^7 = 3.75 × 4 2^what − 6। इसको क्या करना है, इसका पता इसके बेस से चलता है। आइए, इसका पता इसके बेस से भी चलता है। 9 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना, 15 × 10 है। तो क्या सबों के बेस 15 के हैं? आइए, यहां पर 3.75 का डबल क्या होता है? 7.5। उसका डबल क्या होता है? 15 × 10। तो इन सब को हमको 15 × 10 के रूप में समथिंग लिखना है, यानी ऐसा करना संभव है। ये 5 है ना, तो डबल करते हैं, तो 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3, 2 को यहां ले आइए तो 75 हो जाएगा। देखिए, 2 यहां ले आइए तो 75 हो जाएगा इंटू 3, ये क्या होगा? 225, दैट मीन्स 15 स्क्वायर। अब तो ये सब संकेत कर रहा है ये भी 15 ही होगा या उसका पावर ही होगा। क्या करें, पहले थोड़ा सिंपल बनाते हैं। 5 है ना, इसका 2 ले लेते हैं, डबल कर देते हैं, तो 56 × 112 और ये 5, ऐसे लिखेंगे, ऐसे होगा। बोले तो 2 इसका लेके डबल कर देते हैं ताकि ये सुंदर सा नंबर बन जाए, और इसको थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं इसमें क्या है। तो 25 तो है, तो 11 × 4 = 44 and 1 = 45 × 25 लिख सकते हैं। ये वाला, ये 45 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 × 5, जरा गौर कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है? 5 × 5। देखिए, 3 × 5 और 3 × 3 है, यानी कि ये 15 का क्यूब है कि नहीं, ये समझ में आया? अब जब आपको ये बात समझ में आ गई, 15 × 3 × 6, इसका मतलब 15 × 18 है। ये 15 × 10 है, −10 हुआ। ये स्क्वायर है तो 2 × 7 = 14 हुआ, −14 हुआ।
इक्वल्स ये 15 टू द पावर व्हाट माइनस 6 हुआ। तो ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ये जब सेम होगा तो 18 फोर 24 24 कैंसिल क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू जीरो आंसर। नहीं समझे, ये जो ऊपर वाला है ऊपर ये कितना है देखिए, लेस कर दीजिए मत कीजिए जो भी कीजिए, ये कितना बचेगा बोलिए, माइनस सिक्स बचेगा ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस सिक्स, जीरो हुआ कि नहीं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू जीरो आंसर। समझ गया। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 प्लस 2 रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स व्हाट रूट 5 प्लस 189। ये बताता है कि इसका संबंध इसके 2ab से है, बस आंसर हो जाएगा 2ab 52 आंसर। आप बोलेंगे 52 आंसर, बोलेंगे कैसे आंसर हुआ, आई जब आप ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि बस तुरंत आंसर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि a का स्क्वायर यानी 169 प्लस 2ab 2 इंटू 13 इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर 2 रूट 5 स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 और ये हुआ 52 रूट 5। जल्दी बोलिए इज इक्वल टू व्हाट रूट 5 प्लस 189। देखिए 189 है कि नहीं, कैंसल रूट 5, रूट 5 इंटू व्हाट 52, नहीं समझे, 52 रूट 5 इज इक्वल टू व्हाट इंटू रूट 5, नहीं देख रहे हैं क्या बचा, 52 आंसर। समझे। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन, इधर देखिए 0.2 इंटू 1.1 प्लस 0.6 इंटू 0.009 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 313.06। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ढंग से आप देखते हैं तो। सबसे पहले देखिए ब्लॉक में प्लस है ना, ठीक है, या माइनस है ना, सबको अलग अलग देखेंगे, डेसिमल को भूल जाइए तो क्या दिखता है, 11 और 2, 11 इंटू 2 22 और कुल मिला के 2, 1 एंड 1 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल। यहां भी डेसिमल को भूल जाइए, 9 इंटू 6 54 लेकिन 3 एंड 1 4 प्लेसेस के बाद होगा, यानी कि यहां पर होगा 54, होगा ना, 00 है, देने की जरूरत नहीं, और ये आके ऐड होगा, ऐड होने का मतलब 313.06, बस यही तो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की क्या जरूरत है, यह है 54, यह है 28, यह है 313, आंसर हुआ 313.2854। बोलिए समझे कि नहीं, ठीक है। ये सभी बैंक पीओ के आईबी क्वेश्चन है जिनमें ज्यादातर आईबीपीएस पीओ के हैं। सेवेंथ नंबर देखिए 444 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 645 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3991 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए एक एक करके देखिए, ये जो 444 डिवाइडेड बाय 40 है, हम लोगों को दिखा यहां, यानी कि 111.1 होगा ना, ठीक है। इसके बाद 645 को 25 से डिवाइड करना, हम लोग दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 600 अलग और 45 अलग है इससे, 645, 600 का 4 टाइम्स 2400 और 44 का 45 का 4 टाइम्स 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180 180 एंड 2400
2580 होगा कि नहीं बोलिए, और यहां क्या हो गया 100, टू प्लेसेस के बाद डेसिमल, यानी हुआ 25.80 होगा, बोलिए ठीक है। उसके बाद थर्ड, तो डिवाइडेड बाय 26 है, तो हम लोग पहले 13 से डिवाइड करते हैं। देखिए 13 थ्री जा हुआ 39 और 1391, और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 153.5, यानी कि 153.5 समझ में आया। इनको ही ऐड करना है, ये वाला ही ऐड करना है। अब ऐड कीजिए, कैसे ऐड करें, आराम से, ये 53 है, 558 हुआ और 78 हुआ, 79 हुआ, यहां से कम 1 आएगा तो 80 हुआ, और ये 90 हुआ, और ये 290 हुआ, और ये 8 5 13 114, यानी कि 4 1 ले चुके थे, तो 290.4 इज आंसर, ठीक है, 290.4 इज आंसर। इसके बाद 8 नंबर सवाल देखिए, 3463 इंटू 295 माइनस 1861 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 5883। देखिए ऐसा है कि इतना लंबा कौन मल्टीप्लाई करे, मुझे पसंद नहीं है, ये कौन करता है, नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे। कैसे रिस्क लेंगे, इधर आइए, देखिए ये 3463 है ना, 295 से मल्टीप्लाई करना है ना, टू प्लेसेस तक मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 × 3 = 15, 1 कैरी ओवर, फिर हम लोग बोले 27 एंड 1 28 एंड 30 58, 8 लिखा, 5 कैरी ओवर, बस बस बस, आगे हमें नहीं चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, वन लाइन मल्टीप्लिकेशन बेसिक कैलकुलेशन में कर चुके, 2 तक करके छोड़ देंगे। और बताइए ये इधर आके क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना, देखिए ये क्वेश्चन प्लस 5 है, सॉरी प्लस है, ठीक है, तो ये इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, तो 3 and 1 = 4 और 8 and 1 = 9 एंड सो, और इसे लेस कर रहा है, 5 में से 4 लेस कीजिए 1, 18 में से 9 लेस कीजिए 9 एंड लास्ट में 91 किसका है, इसका है आंसर, और किसी का 91 नहीं है, नन ऑफ दीज होने का एक चांस बनता है, लेकिन आप मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस जो 4-5 क्वेश्चन होंगे, जिनको बनाने में काफी समय लगेगा, जिनको साधारणतया छोड़ देना चाहिए, उनके बारे में हमारा रवैया होता है कि हम आपको क्यों छोड़ें, आइए ना थोड़ा रिस्क लेके बनाते हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन हर जगह नहीं, हर जगह रिस्क नहीं लेते, 50 में 45 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो 5 क्वेश्चन जिनको साधारणतया छोड़ देने का मन करता है, जिसमें ज्यादा समय लगता हुआ नजर आता है, उनको बोलते हैं थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और ऐसे 5 क्वेश्चन में से 4 आपका सही होगा। मान लीजिए 2 मिनट्स में वो 5 क्वेश्चन जो बन नहीं रहे थे, जिन्हें आप छोड़ रहे थे, बन जाए और 4 सही हो जाए, तो ऐसा रिस्क क्यों न लेंगे, लेकिन ये रिस्क सिर्फ वो अंतिम 5 के लिए लेंगे, 50 में 5 के लिए लेंगे, 45 के लिए नहीं लेंगे। आंसर इज 1। इसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, 8³ / 16² × 32 इज इक्वल टू 2 to the power व्हाट −4 / 4² ये बताता है कि 2 के बेस में चेंज कर दीजिए, तो ये 2 का क्यूब होगा कि नहीं, क्यूब 2 का पावर 3 और 3 × 3 = 9, तो ये 2 का पावर 9 हुआ कि नहीं,
ये 2 का पावर 4 होता है कि नहीं, अब 4 इंटू 2 8 होगा कि नहीं, माइनस 8 क्योंकि डिवीजन है, और ये इंटू है तो प्लस होगा, 2 का पावर 5 है कि नहीं, प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का पावर व्हाट, माइनस 4, ये 2 स्क्वायर है ना, ये 2 इंटू 2 4 होगा ना, माइनस है तो माइनस 4 होगा ना, माइनस 4 है ना, माइनस 4 होगा, बेस सेम है, पावर भी सेम होगा। यहां पर क्या आ रहा है देखिए, यहां 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 लेस कर दीजिए 1 प्लस 5, 6 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 8, यानी कि 14 आंसर। आप में से कुछ लोगों को यहां पर दिक्कत हो रही होगी, देखिए क्या है, मैं इसको तोड़ के बताता हूं। दरअसल ये 2 क्यूब है, जिनको समझ में ना आ रहा हो, ये पावर 3 होने का मतलब इसको 3 बार लिखना होता है कि नहीं, और इसका मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 का मतलब 3 बार 3 9 होगा कि नहीं, यही वजह है कि ये 9 हुआ, 2 क्यूब और ये 3 इंटू 3 9। उसी तरह से 16 का मतलब 2 टू द पावर 4 होता है, इसका मतलब 2 का पावर 4 इंटू 2 8 होगा कि नहीं, ये 2 का पावर 5 होता है, समझ गए इसको। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, 0.64 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.512 टू द पावर 3 इंटू 0.8 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0.8 टू द पावर व्हाट प्लस 3। ये बता रहा है कि 0.8 के बेस के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो पॉइंट 0.64 है इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, यानी ये 0.8 का स्क्वायर हुआ कि नहीं, स्क्वायर, और स्क्वायर हुआ तो 2 इंटू 4 8 हुआ कि नहीं। ये वाला हम लोग 512 के बारे में जानते हैं कि वो 8 का क्यूब होता है, तो हम लोग 512 को 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 लिख सकते हैं, 3 प्लेसेस के बाद 10 प्लेसेस में, तो 8 का पावर 3 हुआ कि नहीं है, 3 इंटू 3 9 हुआ कि नहीं है, माइनस है तो माइनस 9 लिखेंगे कि नहीं, और ये इंटू है तो प्लस होगा कि नहीं, पावर 4 इज इक्वल टू 0.8 टू द पावर व्हाट प्लस 3। ये देखिए 12 में 9 लेस कीजिए 3, तो 3 इज इक्वल टू व्हाट प्लस 3, कैंसल 0 आंसर। समझ में आया, सिंप्लीफिकेशन में काफी क्लासेस हुए हैं, आगे भी होंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिए कम है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कीजिए, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी दोबारा कीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ सही होने का नहीं है, जल्दी बनने का है, इसलिए जो रूल्स जो प्रैक्टिस आप लगातार आजमाएंगे उस पर आपका कमांड होता जाएगा। ऑल द बेस्ट।